हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। टाइटल हम लोग आप लोग देख ही चुके हो। तो एक्चुअली मैं अभी हूँ बालीगंज जंक्शन पे, ठीक है, एज यू कैन सी। और एक्चुअली मुझे बहुत शायद लग रहा है क्योंकि मेरा पहला बार तो मेरा कोई आइडिया नहीं था कि ये वाला मैं ब्लॉग शूट करूँगा, ठीक है। और सबको यहाँ से जा रहे हैं और मुझे देख रहे हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, पागल सोच रहे हैं मुझे, ठीक है। तो अभी बहुत कम टाइम बाकी है गाइस, 3:05 को मेरा ट्रेन है और अभी बज रहा है 2:54, ठीक है। इससे आगे मैं एक टेक लिया था, ठीक है, वो वाला एकदम गड़बड़ हो गया, ठीक है। इसके बाद मैं फिर टेक ले रहा हूँ, मतलब टाइम बहुत ही कम है गाइस, ठीक है। मैं अभी जा रहा हूँ एक जगह, मैं अभी जगह का नाम रिवील नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। जगह का नाम मतलब लोकेशन मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग चेक कर लीजिएगा। और कहाँ जा रहा हूँ कहाँ नहीं जा रहा हूँ, मैं वहाँ पर स्टेशन में उतर के, ठीक है, यहाँ से लगभग 1.2 आवर्स का 1.2 or 3 आवर्स का दूरी में है, ठीक है। वहाँ पर उतरता हूँ स्टेशन में और फिर आप लोग के साथ मिलता हूँ, ठीक है। इस वीडियो देखने से पहले आप लोगों को मैं कुछ चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ। जैसे कि इस वीडियो में बहुत सारे मैंने मिस्टेक्स किए हैं, जैसे कि मैं आप लोगों को कुछ समझा नहीं पाया ठीक से, और मतलब और भी बहुत सारे मिस्टेक हुए। एक प्रॉपर ब्लॉग जैसे शूट होता है मैं वैसा करने का कोशिश किया लेकिन हुआ नहीं मुझसे, क्योंकि मतलब जैसे कि मैं इस वीडियो में कुछ समझाने का कोशिश कर रहा हूँ तो फिर मतलब इतना साउंड आ रहा है कि मेरा बात आप लोग सुन ही नहीं पाओगे। मतलब कुछ कुछ जगह ऐसा है वीडियो में, वो सब चीज़ें आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए, क्योंकि देखो मेरे पास कोई एडवांस कोई टेक्नोलॉजी है नहीं, जैसे गिम्बल हो गया कुछ और भी, हाँ मेरे पास वैसा कुछ नहीं है, मैं अभी अफोर्ड नहीं कर सकता। तो थोड़ा 3-4 वीडियो या फिर 5-6 वीडियो ऐसा आने वाला है, तो थोड़ा आप लोग सपोर्ट कीजिए मुझे, ठीक है ना। तो बाद अगर अगर आगे चल के यूट्यूब से कुछ होता है तो फिर मैं ट्राई करूंगा वो सब चीज़ लेने का। तो आप लोग का सब चीज़ आप लोग का सपोर्ट है, तो वीडियो आगे देखिए, एंजॉय कीजिए और फिर मुझे कमेंट्स में बताइए आप लोगों को कैसा लगा। हे गाइस, आप लोगों को कुछ बताना था। एक्चुअली मुझे ना अभी बहुत डर लग रहा है क्योंकि टाइम बहुत कम था, तो मैं जल्दीबाजी में आ गया स्टेशन। ओह माय गॉड, नहीं दूसरा ट्रेन आ रहा इसके बाद ही मेरा वाला ट्रेन है, ठीक है, तो उसमें मैं जाऊंगा। तो एक्चुअली अभी डर लग रहा है इसलिए क्योंकि टीटी यहाँ से इधर घूम रहा है, ठीक है, और मैं थोड़ा चुपके खड़ा हूँ क्योंकि टाइम एकदम बाकी नहीं है और 2 मिनट बाद। तो गाइस टिकट काउंटर में लाइन लगा है बहुत और अभी मैं जाके जल्दीबाजी में टिकट नहीं काट सकता, टिकट काट तो ट्रेन मिस हो जाएगा मेरा, ठीक है। और एक्चुअली यही मैं अभी जहाँ पे खड़ा हूँ उससे 5 या 6 महीना आगे मेरा इसी स्टेशन से एक मतलब एक फ़ोन चोरी हो गया था, ठीक है, 1+7। तो उसके बाद से मैं थोड़ा सतर्क होता है ना उसका टाइप कर रहा था, ठीक है। ट्रेन के आगे मैं थोड़ा फोन वोन को ऐसा बैग में बना दूँगा, मनी बैग जो भी है, ठीक है, फिर वो हो जाएगा। तो गाइज मैं पहुंच चुका हूं स्टेशन पे। तो मैं जब ट्रेन में उठा था तब बजा था 3:35 और अभी बज रहा है अराउंड लेट मी सी द टाइम 3:49। तो आप लोग हिसाब लगा ही सकते हो 1.5 आवर के स्टेशन में। अभी मैं जाऊँगा वहाँ पे, तो आप लोग को फिर आगे का जर्नी दिखाते हैं, ठीक है, साथ में रहेगा और देखते रहेगा। ओके ओके, भाई शाम होने का है, ठीक है। अभी भी मैं जा रहा हूँ जहाँ पे मैं जाने वाला था, स्टेशन से थोड़ा दूर है इसलिए मैं अभी भी चल रहा हूँ, ठीक है। लेकिन इसी बीच एक दोस्त से मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ, यू कैन से वन ऑफ माय क्लोज फ्रेंड। तो गाइस मिलाता हूँ आपसे, आ जाओ। तो ठीक है, हम लोग अभी तुरंत फटाफट चलते हैं वहाँ पे, ठीक है ना। अरे इधर देखो यार क्या बोल रहे हैं। तो अभी हम लोग फटाफट चलते हैं वहाँ पे, ठीक है, तो वहीं पे जाके आप लोगों को दिखाएंगे क्या मतलब। हम लोग इतना देर से मैं तब से बोल रहा हूँ कि जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, तो वहाँ पे जाके ही पता चलेगा अब, ठीक है। तो लेट्स गो गाइस, मैं पहुँच चुका हूँ यहाँ पे और आप लोग को दिखाता हूँ। मैं तब से मैं बोल रहा हूँ कि मैं जाने वाला हूँ, कहाँ जाने वाला हूँ, अब मैं आप लोग को शेयर करूँगा। लेकिन एक चीज़ आपसे बोलना था कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉइज़ हो रहा है, ठीक है, तो इससे आगे मैं अगर कुछ बोलूँगा आपसे तो शायद आपको सुनने में थोड़ा तकलीफ हो सकता है, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मेरे पास कोई हाई क्वालिटी का माइक वगैरह कुछ भी नहीं है, तो आप लोग प्लीज़ समझ सकते हो, छोटा स्मॉल यूट्यूबर। तो चलो देखते हैं। तो देखिए गाइस कितना अच्छा लाइटिंग वगैरह हो रखा है, ठीक है, और मेरा जो दोस्त मेरे साथ आई हुई है, ठीक है, तो वो बोल रहा है कि वो जो राउंड वाला आप लोग देख सकते हो वो बड़ा वाला जो मिनी राउंड है तो उसमें चढ़ने को बोल रहा है, पर मेरा तो फट रहा है लिटरली, क्योंकि मैं तो ओड़े बाप रे बाप।
चीज दिखा रहा हूँ। जब मैं छोटा बच्चा था तो बड़ी शरारत करता था, तो मैं जब छोटा था तो ये सब मैं बहुत खेला हूँ, ठीक है, लेकिन अब वो उम्र नहीं रहा, तो आई डोंट नो ये सब क्या चीज़ है। एक काम करो इधर, इस मेला का मेन क्लाइमेक्स जो है तो वो है ये, जो कि मैं एकदम इससे दूर रहना चाहता हूँ, ठीक है, लेकिन मेरा जो फ्रेंड है वो बार बार बोल रही है कि इस पर चढ़ने को, लेकिन नहीं नहीं एकदम नहीं चढ़ना है भाई, यहीं से देखने से मेरा सर चढ़ा जा रहा है भाई। मजाक नहीं कर रहा, मुझे सच में डर लग रहा है, मैं नहीं चढ़ने वाला भाई। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं सोचा था कि कंटेंट हो जाएगा ब्लॉग के लिए, मैं चढ़ भी लूंगा, लेकिन नहीं नहीं मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं नहीं चढ़ूंगा भाई। अरे भाई भाई कसम से भाई मैं नहीं चढ़ने वाला इस पे, बहुत ही खतरनाक चीज है यार। अरे भाई भाई इसका प्राइस है 50 का, 1 रुपये भी होता तो मैं, पता नहीं भाई ये बहुत जिद कर रहा है चढ़ने के लिए, क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई। लोग क्या मरने को जा रहे हैं लोग भाई, कितना डेंजर चीज है भाई, देखो बहुत डर लगता है यार मुझे लिटरली गाइस, बहुत डर लग रहा है। देखो भाई टिकट काट लिया भाई, क्या होगा कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। देखो भाई बहुत डर लग रहा है यार, बहुत कसम से यार लिटरली बहुत डर लग रहा है, मजाक नहीं कर रहा हूँ, इसी के चलते अभी इधर इसी के चलते क्या करो भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो अपने भाई पकड़ अभी, रुक डेंजरस चीज़ है, और मतलब डर जब तभी लगता है जब ऐसे उठ रहा है
जब उतरता है ना तभी ज़्यादा डर लगता है, लेकिन सिक्स राउंड बोला था वो कराएगा, लेकिन सिक्स राउंड नहीं उससे ज़्यादा ही कराया, लेकिन धीरे धीरे लास्ट टाइम में थोड़ा मतलब डर चला जाता है, ठीक है, लास्ट में थोड़ा डर चला जाता है, लेकिन पहले पहले बहुत दिन बाद एटलीस्ट 10 ईयर्स बाद मैं फिर से, मतलब 10 ईयर्स आगे मैं एक बार मैं गया था और 10 ईयर्स बाद मैं फिर से अभी वाला किया, तो डर तो लगता ही है लेकिन लास्ट में ठीक हो जाता है सब कुछ। और एक ट्रिक है जो कि मेरे जैसे हाइट फोबिया, मेरे को वैसे भी हाइट फोबिया है, तो उसके लिए जिन लोगों को हाइट फोबिया है तो उन लोग के लिए एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जब ऐसा उठेगा, उठ के जब उतरेगा ना तब मतलब चिल्लाने का, ठीक है, चिल्लाने से क्या होता है थोड़ा डर चला जाता है, मतलब वो मतलब अंदर का जो डर होता है ना वो चला जाता है, तो यही सब है, ठीक है। और देखते हैं ये सब तो हम लोग ने कर लिया और कुछ खाते हैं पीते हैं तो आप लोग शेयर करेंगे, तो प्लीज़ बने रहिए वीडियो में। और प्लीज़ देखिए आप लोग के लिए मैंने ये भी किया, ये भी नहीं करता, लेकिन इतना कुछ कर रहा तो आप लोग का भी बनता है थोड़ा सब्सक्राइब करना मुझे, ठीक है, तो मैं प्रॉमिस करता हूँ लोगों की अच्छा ब्लॉग्स में देने का ट्राई करूँगा, तो देखते हैं क्या होता है, ठीक है। सो गाइस मेला से हम लोग निकल चुके हैं, ठीक है, तो रास्ते से आ रहे थे तो यहाँ पे देखे कि अचानक वो बिरयानी का एक स्टॉल है, लेकिन ओनली 50 रुपीज़ में बिरयानी मिल रहा है, यहाँ पे आप लोग देख ही सकते हो, ये देखो 50 रुपीज़ में बिरयानी बिरयानी है, तो आज हम लोग इसको देखते हैं खा के कैसा है कैसा नहीं है, ठीक है, तो खा के आप लोग को बताते हैं। तो गाइस हम लोग बैठ गए हैं 50 रुपीज़ का बिरयानी, आप लोग को दिखाते हैं ये है बिरयानी, ठीक है, तो इसके अंदर आलू मिलता है, ठीक है, और चिकन आपको दिखाते हैं, चिकन तो मिली नहीं है, तो 50 रुपीज़ का चिकन ये है, 50 रुपीज़ के हिसाब से, तो खा के आप लोग को बता रहे हैं कि कैसा है। तो आज मैं खा रहा हूँ फर्स्ट बाइट, देखते हैं कैसे। ठीक है, चिकन का थोड़ा एक्सपेक्टेशन से बहुत ही ज़्यादा है, 50 रुपीज़ है लेकिन एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा है, कोई बात नहीं, चिकन का खा रहा हूँ। अच्छा 50 रुपीज़ के हिसाब से है, तो इनका फटाफट इसको ख़त्म करते हैं फिर मिलते हैं। गाइस तुम लोगों को इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाने वाला हूँ, लग तुम लोगों को अच्छा है कि ऐसा चीज़ देखने को नहीं मिलता, फिर भी दिखा रहा हूँ, आ जाओ, देख पा रहे हो गाइस, देख लिया ना। देख रहे हो गाइस, और क्या बोलूं, ऐसे ही इंटरेस्टिंग चीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक का बटन जोर से ठोकना, ठीक है, और जितना चाहे वीडियो को शेयर कर दो गाइस, ऐसे मज़ेदार ब्लॉग्स और भी मैं लाता रहूँगा तुम लोग के लिए। गाइस हम लोग एक फास्ट फूड कॉर्नर पे आ गए हैं, तो यहाँ से पैन फ्राइड मोमो ले लिए गाइस, थोड़ा टेस्ट करके देखते हैं कैसे लगता है। बढ़िया है, 70 रुपीज़ है, बढ़िया है, अच्छा। तो गाइस आज का सारा दिन कैसा रहा कमेंट्स में ज़रूर बताना, और ऐसे ही मज़ेदार ब्लॉग्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, और जितना भी देखो तुम लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, ये मेरा पहला चैनल का शुरुआत में जो ब्लॉग्स देने का कोशिश कर रहा हूँ, बहुत ही गलती हुआ है ब्लॉग्स में क्योंकि मैं प्रोफेशनल ब्लॉगर नहीं हूँ, ये तो आप लोग को भी पता है, तो धीरे धीरे ऐसे करते 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 तो एक दिन ठीक से सब कुछ हो जाएगा, तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट करो, फिर जो करना है मैं करता हूँ, ठीक है ना।
सो गाइस इसी के साथ इस ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन स्टे सेक्सी एंड हेल्दी।